दोस्तों नमस्कार। सुबह सुबह तो मैं वीडियो नहीं अपलोड करता हूं, लेकिन आज एक ऐसा मैटर आ गया कि लोड करना पड़ रहा है। इस समय काफी मीडिया वाले चर्चा में लाए हैं सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मृत्यु की चर्चा चल रही है। हालांकि हमें तो लग रहा है कि मृत्यु हुई नहीं है, ये कोई कूट रचित साजिश लग रही है, इसलिए कि इस भारत का सबसे बड़ा महाठग सुब्रत राय 14 करोड़ लोगों का पैसा जमा करा के और हड़प लिया और बेचारे रो रहे हैं। अपने मेहनत के पैसे को सहारा समूह में जमा किए और आज तक उनका पैसा वापस नहीं मिला। तब तक ये चर्चा आ रही है कि सुब्रत राय का देहांत हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया कह रही है। हमको तो ये लग रहा है कि संभवतः स्वीडन में वहां के NRI ये हो चुके हैं और विदेश भागने का ये कूट रचित साजिश है। हमको तो ये लग रहा है, इनका पूरा परिवार NRI है। वहां का सिस्टम ये है कि जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उस देश में वहाँ का नागरिक हो जाएगा, और इन लोगों की तैयारी वही भागने की है। इन पर घड़ियाली आंसू लोग खूब बहा रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं। अरे उनके ऊपर भी थोड़ा आंसू बहाइए जिनके पैसे लेकर हड़प लिया, उन पर भी तो कुछ दया करिए। पता नहीं 11 लाख करोड़ या कितने करोड़ हजार लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी। अरे कम से कम इन गरीबों का पैसा तो लौटाइए आप लोग। लेकिन निवेशकों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग चिंता न करें, सहारा का पैसा डूबेगा नहीं, सहारा का पैसा मिलेगा। जो इनके प्रॉपर्टी का मालिक होगा वो देगा, पैसा मिलेगा सहारा का। अब सोचिए कि नमकीन बेचने से शुरुआत हुई सुब्रत राय की, नमकीन बेचे, फेरी लगाए, कपड़ा बेचे, बेचते बेचते महाठगी के दौर में इतना आगे निकले कि सहारा कंपनी खड़ा किए, उसमें पैसा सहारा इन्वेस्टमेंट खोले, उसमें लोगों से पैसा जमा कराना शुरू किए और 14 करोड़ लोगों का लगभग पैसा इसमें पड़ा है। हमें लग रहा है कि काफी लोग तो जमाकर्ता मर गए होंगे, उन पर ये मीडिया वाले कब आंसू बहाएंगे। उन पर भी कुछ आंसू बहाइए, उन पर भी दया करिए आप लोग कि उन लोगों का पैसा वापस आवे। यह सरकार उस आदमी को जेल में ही रखना चाहिए था, यहां तक कि उसकी धूमधाम से मैंने पब्लिकली दाह संस्कार होना चाहिए। अभी दाह संस्कार की कोई सूचना तो अभी हम नहीं पढ़े हैं कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। हमको तो विश्वास है कि मरा ही नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन दाह संस्कार पब्लिकली होना चाहिए, दुनिया देखे, और उनका DNA टेस्ट होना चाहिए। क्या यही सुब्रत राय है ना, पता लगा कि उस हॉस्पिटल से, अरे माया नगरी है बंबई, तो बंबई माया नगरी है, तो माया नगरी में हो सकता है सहारा सुब्रत राय के जगह पर कोई और लाश रख दी गई हो और उसी का दाह संस्कार हो जाए। इसलिए कि इतना बड़ा महाठग अचानक मरने की सूचना आ रही है तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और निवेशक धैर्य बरते, पैसा तो वापस मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। और एक बार मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेरपुर दस्तक को, और पूरी वीडियो देखा करें, और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट भी लिख दिया करें।
अगर आपको बुरा लगे तो भाई आपके हिसाब, आप अपने हिसाब से भी कमेंट दे सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और शेयर भी करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।